इंदौर में पिछले दिनों सांसद शंकर लालवानी के पहल पर एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों के युवाओं ने हिस्सा लिया था। जहां पर पहुंचे युवाओं ने नौकरी पाने की संभावनाओं को तलाशा था। उसी जॉब फेयर में इंटरनेशनल कार्गो पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अब निःशुल्क प्रशिक्षण देकर इस काम के लिए दक्ष बनाया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि फिलहाल इंटरनेशनल कार्गो का ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पिछले दिनों आयोजित हुए जॉब फेयर में 1500 से अधिक लोगों ने इस काम को करने में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अब इन सभी आवेदनकर्ताओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही यह सभी आवेदनकर्ता मात्र 500 रुपये के शुल्क जमा कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी पूर्ण हो गई है, ट्रायल चल रही है और मुझे लगता है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर हमने एक आह्वान करा था शहर में जब सांसद जॉब फेयर लगा था, और उसमें मुझे बता दें कुछ 1500 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया अभी तक। अब हम उनको निःशुल्क एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्रशिक्षण देंगे, और ये भी बता दूँ ये प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसी इतनी सरल हो गई है कि ऑन द स्पॉट 500 रुपये की फ़ीस पर फॉर एवर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। ये बहुत एक नई नीति है, खुली नीति है, और इसमें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं किस प्रकार से आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इंदौर के लोग एक्सपोर्ट में आगे आएँ ताकि हमारा निर्यात बढ़े और भारत की GDP भी बढ़े।